कौन है माइनक्राफ्ट का गॉड, जाने पूरी कहानी। हे टीएमसी आर्मी, दिस इज आशुदा होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हु इज माइनक्राफ्ट गॉड। जी हाँ, माइनक्राफ्ट का भगवान कौन है? क्या माइनक्राफ्ट का भगवान हीरोब्राइन है या फिर कोई और? सो वीडियो को पूरी देखना, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना गाइस आप लोगों को जो है ये वाली वीडियो कैसी लगी। ओके, सो वीडियो को पूरी देखना, मैं फिर से कह रहा हूँ हु इज माइनक्राफ्ट जीसस। अगर भाई जो क्रिश्चियन है उसके लिए जीसस, एंड जो मोमडम है यानी मुसलमान है उसके लिए अल्लाह, एंड जो हिंदू है उसके लिए गॉड यानी भगवान। सो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम पहले तो भाई इसकी बात छोड़ते हैं, हटाओ, इसमें सब एक ही है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को, हु इज माइनक्राफ्ट गॉड। क्या माइनक्राफ्ट का जो राजा है वो नोच है या फिर हीरोब्राइन है या फिर कोई और है? जी हाँ, सो अब बात करते हैं कि माइनक्राफ्ट का राजा कौन है। माइनक्राफ्ट का दोस्तों राजा, सबसे पहली बात तो हीरोब्राइन तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, लोग कहते हैं कि माइनक्राफ्ट का राजा हीरोब्राइन है, लेकिन भाई माइनक्राफ्ट का राजा हीरोब्राइन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं माइनक्राफ्ट का सबसे ताकतवर मॉब है हमारा हीरोब्राइन, जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। जी हाँ, वो एक मॉब है जो कि हमारी दूर से बातों को सुनता है। हालांकि अब वो हमें दिखाई नहीं देता है इस माइनक्राफ्ट की गेम के अंदर, लेकिन वो दोस्तों सबसे ताकतवर है। उसके अंदर एक अलग ही नेचुरल पावर्स हैं जो कि उसको अलग ही दिखाने में मदद करती है। सो ये है दोस्तों हमारा माइनक्राफ्ट के हीरोब्राइन का राज। एंड अब बात करते हैं कि माइनक्राफ्ट का गॉड कौन है, स्टीव है या कौन है? भाई माइनक्राफ्ट का गॉड है हमारा नोच। जी हाँ, माइनक्राफ्ट का जो भगवान है वो है नोच, क्योंकि दोस्तों ये वाली जो गेम है इसका क्रिएटर भी नोच ही है। जी हाँ, उसका जो रियल नेम है वो नोच ही है भाई। जो माइनक्राफ्ट को जिसने क्रिएट किया है वो नोच ही तो है, एंड उसी दोस्तों जिसने इस गेम को क्रिएट किया है वही इस गेम का भगवान है, वो इस गेम का ओनर है। वो इस गेम के साथ कुछ भी करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो इस गेम का अपडेट कब लेकर के आएगा, कब नहीं लेकर के आएगा, क्या ऐड करेगा क्या नहीं करेगा, हीरो ब्रांड को फिर से डालेगा नहीं करेगा, भाई वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इस पूरी गेम का जो सिस्टम है, पूरी गेम की जो की है वो उसी के पास है, यानी नोच के पास है। क्योंकि तो भाई हम नोच को ही इस गेम का भगवान मानेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये वाली जो बात है दोस्तों ये पता नहीं होगी कि जो माइनक्राफ्ट का गॉड है वो कौन है। हालांकि हीरोब्राइन को लोग समझते हैं माइनक्राफ्ट का गॉड। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि माइनक्राफ्ट का गॉड एक तरीके से हीरोब्राइन भी है क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, लेकिन जो रियल गॉड है माइनक्राफ्ट का वो है नोच। जी हाँ, लोगों ने ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है कि जीसस है माइनक्राफ्ट में, ये है माइनक्राफ्ट में वो है। भाई कोई नहीं है माइनक्राफ्ट में, कोई जीसस वीजस कुछ भी नहीं है माइनक्राफ्ट में, कोई भगवान कोई अल्लाह कोई गॉड नहीं है माइनक्राफ्ट में, क्योंकि भाई ये एक गेम है और गेम का कभी भी कोई भगवान नहीं होता। गेम का भगवान वही माना जाता है जिसने इस गेम को क्रिएट किया है, यानी कि इस गेम को क्रिएट किया है नोच ने। सो इस गेम का जो गॉड है वो दोस्तों नोच ही है, ठीक है ना। सो उम्मीद करूँगा दोस्तों, मुझे मेरे पास कमेंट्स आए थे इसके लिए कि भाई माइनक्राफ्ट का भगवान कौन है, हु इज माइनक्राफ्ट गॉड, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, तो इसलिए मैंने वाली वीडियो बनाई। सो बस यार दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो भाई सबसे पहले तो कहीं मत जाना, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड 100 के सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत ही करीब हैं, कुछ 7,000 सब्सक्राइबर्स का गैप रह रहा है, तो मुझे पता है आप लोग करवा दोगे तो जल्दी से करवा दो। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों मैं ऐसे आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट।